की एक लंबी लड़ाई के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी की तिहाड़ जेल से रिहाई हुई है। 22 जून को दिल्ली सरकार द्वारा उनकी स्पेशल रिमिशन को मंजूर किया गया और मुझे ईमेल के माध्यम से ये सूचित किया गया कि दिल्ली सरकार ने उनकी स्पेशल रिमिशन मंजूर कर ली है और ये कहा गया कि उनको फॉर्मली जेल में सरेंडर करना पड़ेगा और उनको फाइनली रिहा कर दिया जाएगा। जेल रिकॉर्ड में ये एक स्वतंत्र कैदी को रिहा कर दिया गया तुरंत है और अब इनकी जेल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख रहे हैं नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की आज रिहाई हो गई है और पूरी तरीके से औपचारिक पूरी प्रक्रिया जो है कागजी कार्रवाई की गई है। हमारे साथ उनके वकील अमित सानी जी हैं। सानी साहब, क्या पूरी प्रक्रिया रही है? देखिए, एक लंबी लड़ाई के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी की तिहाड़ जेल से रिहाई हुई है। 22 जून को दिल्ली सरकार द्वारा उनकी स्पेशल रिमिशन को मंजूर किया गया और मुझे ईमेल के माध्यम से ये सूचित किया गया कि दिल्ली सरकार ने उनकी स्पेशल रिमिशन मंजूर कर ली है और ये कहा गया कि उनको फॉर्मली जेल में सरेंडर करना पड़ेगा और उनको फाइनली रिहा कर दिया जाएगा। हमने आज चौटाला जी ने 10:30-11 बजे तिहाड़ में सरेंडर किया। सरेंडर के पश्चात हमने एक फॉर्मल सरेंडर की एप्लीकेशन लगाई ताकि उनको फाइनल रिहा किया जाए। प्रशासन के द्वारा सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उनकी रिहाई स्वीकार कर ली और जेल से उनको फाइनल रिहा कर दिया। सर, बहुत सारी प्रक्रियाएं रही होंगी आपकी तरफ से, बहुत सारी याचिकाएं लगाई गई होंगी, क्या लगता है कि इतनी जो पूरी जो इनको सज़ा मिली थी 10 साल की, इनको पूरी काटनी पड़ी या फिर कम काटनी पड़ी? देखिए, इनकी रिहाई जुलाई 2018 से ही बनती थी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकारों ने राजनीति से प्रेरित होकर के और अन्य कारणों से इनकी रिहाई का विरोध किया सभी डेट्स पे। पर दिल्ली सरकार ने बार बार इनको फटकार लगाई कि इनकी जेल से रिहाई क्यों नहीं बन रही, क्योंकि इनके सारे पैरामीटर पूरे होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी किए कोविड के चलते जेलों को डीकंजस्ट किया जाए, और क्योंकि कैदियों की संख्या जेलों में ज़्यादा है और क्षमता जेलों की कम है, तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद सरकारों ने अपने अपने नियम बनाए और दिल्ली सरकार ने भी नियम बनाया कि ऐसे कैदी जिनकी 9.5 साल सज़ा हो चुकी है और उनकी सज़ा 10 साल दी गई है, तो ऐसे कैदियों को रिहा कर दिया जाए, जिसके तहत ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई को स्वीकार कर लिया गया। 2018 की आपने बात करी, 2018 में ऐसा क्या हुआ था कि जो उनकी रिहाई है वो हो सकती थी? देखिए, भारत सरकार द्वारा 2018 में एक अधिसूचना जारी की गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत ऐसे कैदी जिनकी सज़ा 65 साल से ऊपर है और ऐसे कैदी जिनकी कोई स्पेशल डिसेबिलिटी है, ऐसे कैदियों को आधी सज़ा में छोड़ दिया जाए। तो इनकी आधी सज़ा उस वक़्त पूरी हो चुकी थी, तो इसीलिए हमने बार बार न्यायालय में इसकी मांग की कि इनको रिहा किया जाए, पर सरकारों ने बार बार इसका विरोध किया, पर इवेंचुअली आज उनकी जेल से रिहाई हो चुकी है। अमित सानी जी, आपकी बहुत अहम भूमिका रही है क्योंकि लगातार 10 साल से आप उनके साथ थे हैं, उनका केस जो है लगातार लड़ रहे थे, याचिका आपकी तरफ से लगाई गई थी। आखिर केस में सबसे मेन वजह क्या थी कि जिससे इनको जेल हुई? देखिए, केस तो बहुत लंबा था, इस चर्चा में छोटी सी चर्चा में उसका विश्लेषण करना आसान नहीं है, पर निश्चित तौर पर इनको कानून द्वारा सजा दी गई, सज़ा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म करी गई। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मामले में पैसे का 1 रुपये का भी लेन देन नहीं था, ना तो CBI ने ऐसा कोई अलज किया, ना ही FIR में था, ना ही चार्जशीट में था, ना ही ऐसा कोई एविडेंस था, और कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया। उसके बावजूद भी इनको फेवरेटिज्म के कारण सज़ा मिली है और जिसको इन्होंने सज़ा अपने काट ली तिहाड़ जेल में और अब इनकी फाइनल जेल से रिहाई हो चुकी है। मतलब औपचारिक माना जाए कि अब ये जेल से बाहर आ गए, अब कोई कानून प्रक्रिया नहीं होगी। तिहाड़ जेल में इनकी सज़ा संबंधित सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, अब इनको दोबारा तिहाड़ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आज ओपी चौटाला क्योंकि मेदांता में एडमिट है थे, मेदांता से निकले सीधे तिहाड़ जेल आए, क्या पूरा प्रोसीजर रहा आज का, किस तरीके से कागजी कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है? देखिए, कोई भी कैदी जो बाहर होता है, जेल से बाहर होता है और बेल पे पैरोल पे होता है और उसकी फाइनल रिहाई अगर बनती है, तो उसको एक बार तिहाड़ जेल के या किसी भी जेल के में सरेंडर करके
रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करना होता है कि अब वो फाइनल रिहा हो चुका है, अब जेल के रिकॉर्ड में इनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, अब जेल से इनको कोई पत्राचार करने की जेल को भी और इनको कोई आवश्यकता नहीं है, तो जेल रिकॉर्ड में ये एक स्वतंत्र कैदी को रिहा कर दिया गया तुरंत है और अब इनकी जेल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल, तो पूरी तरीके से अब औपचारिक तरीके से ओपी चौटाला जी अब जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।